fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your wrong damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. और एक और गेम प्ले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये गेम प्ले मैं आज डकी साइड के साथ खेलने वाला हूँ, जो कि आपको बैटल पास में पैसों का देखने को मिलता है। लेकिन मैंने ये पहले परचेज कर लिया था कॉइन से, गोल्ड कॉइन से, तो वहाँ पर मुझे इजीली फ्री में मिल चुका था। तो यहाँ पर उसका गेम प्ले, और देखो यहाँ पर उतरते ही मुझे सामने बंदा दिखा दिया और एक बंदा मेरे पीछे आ गया था, उसे भी मैंने नॉक किया। और मैंने कोशिश की कि मैं सामने वाले बंदे को जो नॉक पड़ा हुआ है उसे मैं फिनिश कर दूं, लेकिन वो यार मेरे से फिनिश नहीं हो पाता। और जो मैंने नॉक किया था नीचे बंदा अभी ऊपर, उसे मैंने यहाँ पर आराम से फिनिश किया। अब गाइस मैं यहाँ पर लूट ही रहा था कि मुझे खिड़की में से किसी ने फायर किया और मैं समझ गया खिड़की के बाहर कोई बंदा है और बंदा मुझे स्पॉट हुआ। अब मैं यहाँ पर आराम से उसे मार तो देता, लेकिन जो मेरी गन थी वो थोड़ी सी खराब क्वालिटी की, मतलब SMG थी, तो उसे ज़्यादा डैमेज भी नहीं लग रहा था। और यहाँ पर फाइनली मैंने उस भाई को आराम से मार दिया, खिड़की के अंदर गया, उसे थोड़ा लूटा और अच्छे खासे मैंने यहाँ पर गन उठाई। तभी यहाँ पर आया एक और बंदा जिसके पास लूट ही नहीं थी, ये पता नहीं कहीं पे अटका हुआ था और ये सोचा कि भाई गन लूटते, और ये फाइनली अब आया और इसे भी मैंने आराम से टपका दिया। तो गाइस इसके साथ ही आज का हमारा लाइक है मैं 150 का, होप कि आप लोग करा दोगे, पिछला वाला हुआ नहीं हो तो आशा करते हैं कि इस बार हमारा जो 150 का लाइक है मैं वो ज़रूर सही पूरा हो जाएगा। अब देखो इसके बाद मैंने थोड़ा हीलिंग की क्योंकि मेरी जो HP थी वो बहुत ही ज़्यादा जा चुकी थी। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जो ऊपर विंडो लगी है इसके ऊपर से जाऊंगा और अब बंदे स्पॉट करूंगा। राइट साइड देखा, राइट साइड में मुझे दो बंदे स्पॉट हुए, एक बंदा नॉक किया, बारी थी दूसरे बंदे की, उसे भी मैंने नॉक किया। लेकिन तब यहाँ पर होवर बाइक लेके एक और बंदा आया, और इस भाई को भी मैंने आराम से मार दिया। अब गाइस देखो मैंने सामने वाले बंदा जो कि एक दो नॉक किए थे मैंने, एक बंदे को तो मैंने फिनिश कर दिया था, अब बारी थी दूसरे बंदे की और उस भाई को भी मैंने आराम से फिनिश कर दिया। तभी मैंने लेफ्ट साइड देखा, लेफ्ट साइड मुझे नॉक पड़ा हुआ दिखाई दिया, उसे मैंने फिनिश किया। तभी मैंने देखा कि एनर्जी पोल पे एक और बंदा था जो कि एनर्जी रिचार्ज कर रहा था अपनी, तो उसे भी मैंने यहां पर आराम से फिनिश कर दिया। अब देखो तभी यहां पर रोड साइड से एक बंदे ने वापस से फायर किया और मैंने भी यहां पर फायर किया, लेकिन मेरी किस्मत बहुत खराब थी, मेरी जो एमोज थी वो खत्म ही हो गई थी। अगर आप गाइस आपको अगर पता नहीं है कि इस गेम का ये जो अपना Fallout 4 गेम है वो कब लॉन्च होगा ऑफिशियली, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है,
आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि गेम हमारा ग्लोबली कब लॉन्च होने वाला है। अब देखो वो बंदा था जो कि यहाँ पर देखो ये मैच लेकर आ गया था, और यहाँ पर मेरे पास होवर बाइक थी, मेरे पास एमोस तो नहीं थी, मैंने सोचा कि मैं इस होवर बाइक से इस बंदे को मार दूंगा, लेकिन ऐसा सोचना मेरा बहुत ही गलत था। अब दोनों बंदे यहीं पर आ चुके थे, मेरे को लग रहा था कि एक ही बंदा आएगा, लेकिन दोनों बंदे आ गए एक साथ, और यहाँ पर मैं समझ गया मैं दोनों बंदों को बिना एमओ उसके उस बाइक से तो नहीं मार पाऊँगा। तो फटाफट से मैं घर के पास आया, ऊपर आया, इस आशा में मुझे यहाँ पर गोलियाँ मिलेगी, लेकिन मुझे एक पैकेट गोली मिलती है, और अब देखो हमारी फाइट होने वाली है। एक बंदा यहाँ पर मेरे नीचे ही आ गया था, और उस भाई को आराम से मार दिया, और उस भाई ने मेरी एचपी भी बहुत ही ज़्यादा लो कर दी। ऊपर आया, फटाफट से हीलिंग की, और अब मैं सुन रहा था कि बंदे और कहाँ होंगे। वो बंदा जो करेबी में था, जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, ऊपर भी आ गया, लेकिन मैं समझ गया भाई ऊपर से नीचे आ जाता हूँ फटाफट से, तो मेरा डिसीजन सही था, मैं नीचे आ गया फटाफट। और मैं आपको बता दूं कि ये अकेला बंदा नहीं था, इसके साथ एक और बंदा था, मतलब कि ये डुओ बंदे थे। वापस से ऊपर आया, और अब मुझे इसका दूसरा बंदा स्पॉट हुआ। लकीली मैंने उस भाई को आराम से नॉक कर दिया। अब बारी थी फटाफट से उसे फिनिश करने की, मैं मौका नहीं देना चाहता था उसे रिवाइव होने का। उस भाई को मैंने आराम से ख़त्म कर दिया। अब आ रही थी ये वारक्रैप वाले बंदे की, तो यहाँ पर भी मैंने उसे डैमेज दिया बहुत सारा। अब इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार एमोस तो चाहिए, क्योंकि अभी भी एमोस की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो मैंने सोचा कि यार वो जो अपन ने बंदा नॉक किया था, उसे फिनिश किया था, उसकी क्रेट लूटते हैं। और लकीली यहाँ पर मुझे ये वाइड ड्रॉ मिल जाती है, और गाइस अब देखो हमारी फाइट होने वाली है। मतलब कि वाइड ड्रॉ ने इतना खासा डैमेज दिया ना इस बंदे को कि ये 1 HP का हो गया था ओनली। अब देखो यहाँ पर वाइड ड्रॉ ने कितना सारा डैमेज दिया इसे। ये बहुत ही लो HP का था, मतलब कि एक ही HP का था, मैंने एक ही गोली मारी, वो बंदा आराम से नोक हो गया। अब क्या था, बस डायरेक्ट अब इसे ये था कि अब इसे फिनिश करना था, और इसके बाद मैंने लूटना था, और यहाँ पर अब कोई भी बंदा नहीं था, तो इसे मारने के बाद सीधा मैंने ये स्पाइडर मंगाई, और अब बंदे स्पोर्ट करने लगा मैं। घूमते घुमाते मैं यहाँ पर आया, मुझे दो बंदे यहाँ पर दिखाई दिए, एक बंदा यहाँ पर उतर गया था, तो इसे देखो अब कैसे मारते हैं। एक बंदा नोक किया, बारी दूसरे बंदे की जो कि गाड़ी के अंदर घूम रहा था, और वो उसने भी डिसाइड किया कि वो उसे रिवाइव देगा, लेकिन मैं इसी आस में था कि वो बंदा नीचे उतरे, वो नीचे उतरा। अब देखो बूम, यहाँ पर वो भाई भी आराम से मर गया। अब देखो सिटी प्लाजा में, और धीरे धीरे घूमते घुमाते मैं सिटी प्लाजा आया, और वहाँ पर भी मुझे एक और बंदा स्पॉट हुआ, जो कि अभी अभी देखो ये घर के अंदर गया है, तो मुझे पता चल ही गया था कि यहाँ पर ये बंदा है जो कि अंदर अभी अभी गया है। और अब देखो हमारी फाइट होने वाली है। तो गाइस वापस से रिमाइंड करा देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि आज का हमारा लाइक है मैं 150 का, होप कि आप लोग करा दोगे। और अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइक शेयर सब्सक्राइब की, है ना। और चलिए अब देखो इसे कैसे मारते हैं। यहाँ से मैंने थोड़ा डैमेज देने की कोशिश की, और इसके बाद मैंने डिसाइड किया ऊपर जाता हूँ और इसे मारने की कोशिश करता हूँ। बूम,
और गाइज इसके लिए तो 1 लाख तो बनता। अब गाइज इसके उसे मारने के बाद मैंने हीलिंग की, इसके बाद यहाँ पर अब कोई भी बंदा नहीं था, जोन भी आ रहा था तो जोन के अंदर भी मुझे सरकना था। इसके बाद मैंने ये जो ये स्पाइडर है वापस से उठाई और इसके साथ मैंने सर्च करने लगा बंदे को। गाइस मैं बंदा बहुत जगह ढूंढा, आखिरी में बंदा मुझे यहाँ पर स्पॉट हुआ। और इसे कैसे मारते हैं देखो तुम, ड्रॉप में इसे मैंने अच्छी खासी वेस्ट उठा ली थी और मैंने राइनो भी उठा ली थी। अब देखो इसे कैसे मारते हैं राइनो से। वन शॉट कनेक्ट हुआ, दूसरा शॉट कनेक्ट हुआ, यहाँ पर तुम्हारा भाई इजीली विक्ट्री हासिल कर लेता है। और इसके साथ ही गाइस आप अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और 150 का हमारा लाइक एम जरूर से पूरा कराना।